पीएम मोदी के नोट बैन का एक बड़ा फायदा जो देश को हुआ है वो ये है कि इस फैसले ने जाली करेंसी को देश की अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल दिया है। हालांकि सवाल उठाने वालों की कमी अब भी नहीं है। पूछने वाले पूछ रहे हैं कि अगर पुराने नोटों की नकल हो सकती है तो नए नोटों की नकल क्यों नहीं हो सकती। लेकिन सच तो ये है कि सरकार द्वारा नए नोटों के सिक्योरिटी फीचर्स इतने मजबूत रखे गए हैं कि कम से कम आने वाले 5 सालों तक फेक करेंसी का आना लगभग नामुमकिन सा है। फेक इंडियन करेंसी डिटेक्शन नोट किट के निर्माता विवेक खरे का कहना है, नए 2000 रुपए के नोट की नकल तैयार करना मुश्किल है। इसमें इंटीग्रली प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, न कि ड्राई ऑफसेट प्रिंटिंग का। खरे के मुताबिक आउटसोर्सिंग के चलते 1000 रुपए के नोट की नकल बनाना आसान हो गया था। नए नोटों की नकल इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें जो स्याही इस्तेमाल की गई है वो स्वदेशी है। और एक बात जो कोई नहीं जानता कि 500 और 2000 के नोट बनाने में जो कागज इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है। अगर कोई नए नोटों को कॉपी करना चाहेगा तो कम से कम उसे 2 साल तक ये पता करने में लग जाएगा कि नोट बनाने में कागज कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो साफ है कि अब नकली नोट बनाने वाले जितनी चाहे कोशिश कर लें, उनका धंधा बंद होना तय है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।